हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू सैनी एकेडमी। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम इसमें। गिवन दैट द एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। हमें दो नंबर गिवन है, 306 एंड 657। इनका एचसीएफ हमें है गिवन 9। फाइंड एलसीएम। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। यही क्वेश्चन हमारे 2019 में सीबीएसई में आया था, बट क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बोला हुआ था एलसीएम की प्लेस पर। तो कभी भी एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। सो एलसीएम लीस्ट का मतलब होता है स्मॉल। तो कहीं भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो इसका मतलब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। और अगर हमसे हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो इसका मतलब होता है हमें एचसीएफ निकालना है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये याद रखना, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो कहीं भी एलसीएम निकालते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट का मतलब स्मॉल ही होता है, और हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर बोला जाए तो हमें एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2019 में सीबीएसई में क्वेश्चन ऐसे करके आया था, गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब हमें एलसीएम ही निकालना है। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एलसीएम और एचसीएफ वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला था, जो था एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अब इस क्वेश्चन में हमारे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ हमें कितना गिवन है 9। तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं गिवन लिखना है। तो एचसीएफ हमें 9 गिवन है, और दो नंबर हमें क्या गिवन है, 306 एंड 657। सो टू नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें एक नंबर गिवन है 306 एंड 657। एलसीएम की प्लेस, हमें एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम की प्लेस पे एलसीएम ही आ जाएगा। एचसीएफ हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 9, तो एचसीएफ की प्लेस पे हम 9 लिखेंगे। अब हमें बोला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर हमें कौन से गिवन है, 306 और 657। मतलब इन दोनों नंबर को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। So, 306 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 657 को। अब हमें पता है इज इक्वल टू के एक साइड कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में होता है और उस नंबर को अगर हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो हमारा नंबर मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम तो यही रहेगा, यह आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657। 9 मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा 9 डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या 9 इन नंबर से कट रहा है। तो देखो 306 और 9 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, सो ये 3 के टेबल से कट रहे हैं। ये आएगा 3 पे, ये कट होगा 102 पे। तो ये फिर से 3 से कट हो रहा है, 102 और 3, ये कट होगा 1 पे, ये आएगा 34। तो अभी यहाँ ऊपर आ गए 34 मल्टीप्लाई बाय 657। लिखेंगे 34 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 657 से। सो अब 34 को अगर हम 657 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर आता है 22338। तो हमारा एलसीएम ये आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।